गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का इंग्लिश वर्क बुक। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 8 तेनाली रामा एंड बाबर को पढ़ लिया था। सो आज हमें करना है इसका एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स। तेनाली रामा वॉज नोन फॉर हिज विट एंड विजडम। सेकेंड, बाबर द मुगल रूलर इन्वाइटेड तेनाली टू हिज कोर्ट इन दिल्ली। थर्ड, द कोर्टायर्स कट ऑफ तेनालीज जोक्स बाय योनिंग। फोर्थ, बाबर एंड हिज मिनिस्टर वुड वॉक बाय द यमुना एवरी मॉर्निंग। फिफ्थ, द ओल्ड मैन वॉज कैरिंग अ स्पेड एंड अ मैंगो सैपलिंग। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डिड बाबर इनवाइट तेनाली टू हिज कोर्ट इन दिल्ली। इसका आंसर है, बाबर इनवाइटेड तेनाली टू हिज कोर्ट इन दिल्ली बिकॉज ही हैड हर्ड ऑफ तेनाली रामाज विट एंड विजडम। ही डिसाइडेड टू जज फॉर हिमसेल्फ वेदर ऑल द प्रेज फॉर तेनाली रामा वॉज रियली जस्टिफाइड। देन क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड बाबर्स कोर्टायर्स नॉट लाफ एट तेनालीज जोक। इसका आंसर है, बाबर्स कोटायर्स डिसाइडेड नॉट टू लाफ एट तेनालीज जोक्स बिकॉज बाबर हिमसेल्फ हैड इंस्ट्रक्टेड देम नॉट टू लाफ एट द जोक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डिड तेनाली स्टॉप गोइंग टू बाबर्स कोर्ट। इसका आंसर है, तेनालीज स्टॉप्ड गोइंग टू बाबर्स कोर्ट बिकॉज ही हैड बीन going for 9 days to the court and each day it was the same story. Whenever he began narrating his jokes to the emperor, the courtiers would cut him off by yawning. Question number 4, what reason does the old man what reason does the old man give for planting the sapling? Iska answer hai, the old man gave a very good reason for planting the sapling. He told Babar that he had tasted the fruits of the trees planted by his forefathers. In the same way, his grandchildren would someday enjoy the fruits of the tree he was planting. Question number 5, why did Babar invite Tenali back to his court? Iska answer hai, Babar invited Tenali Rama back to his court because he was finally impressed by Tenali's intelligence. Question number 6, what did Krishna Devaraya tell Tenali on his return? इसका आंसर है, किंग कृष्ण देवराय प्रेस्ड तेनाली रामा एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड डन हिम प्राउड। ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड दैट तेनाली रामा वॉज बैक। वोकैबुलरी करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर ए है, सब्स्टिट्यूट द हाइलाइटेड वर्ड्स विद सुइटेबल सिनोनिम फ्रॉम द ब्रैकेट एंड रीराइट द सेंटेंस। ये जो हाइलाइटेड वर्ड है, इसका सिनोनिम वर्ड है इन ब्रैकेट में से, इस वर्ड का सिनोनिम देख करके हमें सेंटेंस को बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया है, कैन यू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ दिस हाउस। एस्टिमेट का सिनोनिम होता है अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, कैन यू अप्रोक्सीमेट द कॉस्ट ऑफ दिस हाउस। इसी तरह से सेकंड में है, इवन एट द एंड ऑफ द डे शी लुक्स एनर्जेटिक। तो एनर्जेटिक का होगा लाइवली, ठीक है। इसी तरह से थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो शी हैज़ अ रिग्रेस रूटीन। रूटीन का हो जाएगा टफ। सेंटेंस आप खुद से लिख लेंगे। फोर्थ, ही प्रपोज्ड अ वेन्यू फॉर द पिकनिक। इसका हो जाएगा सजेस्टेड है, तो सजेस्टेड आप यहाँ पे लिख करके यहाँ पे सेंटेंस को लिखेंगे। फिफ्थ, द एयर पॉल्यूशन हैज़ रीच डेंजरस लेवल। डेंजरस को हो जाएगा थ्रेटनिंग। बी है, कंप्लीट द वर्ड वेब विथ सिनोनिम ऑफ विट। विट से हमें सिनोनिम बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग बना देंगे जजमेंट, विजडम, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, स्मार्टनेस, एस्ट्यूटनेस। ये सब क्या है? चालाकी, मीन्स जो चालाक होते हैं, विट।
उस चीज़ से बना हुआ ये वर्ड है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 8 तेनालीरामा एंड बाबर, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है, एक्सरसाइज सारे और जो क्वेश्चन आंसर है ये भी हमने करा दिया है। आप लोग इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से साफ साफ लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।